कमज़र्फ लोग रिश्तों को आज़माते ज़्यादा और निभाते कम हैं। अस्सलामुअलैकुम, टिक्का बोटी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी गर्मी में झटपट से तैयार होने वाली है ये रेसिपी, चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े के सैंडविचेस बनकर रेडी होते हैं, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। आप आज आपका होने वाला है टी टाइम बेहतरीन। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक चिकन जो बोनलेस है, ये हाफ के जी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। अगर चिकन आपका हाफ के जी नहीं है तो मसाले आपने उसके मुताबिक अप डाउन कर लेने हैं। मैं हाफ के जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बोनलेस लेंगे, उसको छोटी छोटी बोटी में हमने काट लेना है और ये झटपट से खड़े खड़े 15 मिनट में सैंडविच बनकर आपके सामने होंगे, देखिएगा। और ऐसा लाजवाब टेस्ट आपको मिलने वाला है कि आपने खुद हैरान रह जाना है। चिकन को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस पे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। चिकन आपका कम ज़्यादा है तो आपने मसालों की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से लेनी है। ये टिक्का मसाला है, किसी भी कंपनी का ले लें। 2 टेबलस्पून इसके ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। ये सारा लेमन ही, ये बड़े साइज़ का लेमन है, ये सारा ही ऐड हो जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ जाएगा। 3 टेबलस्पून इसमें हमने दही ऐड कर देना है। नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि टिक्का मसाला में नमक होता है, इसलिए नमक अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर टिक्का मसाला आपने इस तरह लिया है तो नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं, नमक आपका पूरा ही है। मैरिनेट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको बस मसाला लगाएं और डायरेक्ट पकाएं और बस इंजॉय करें। ये देखें आपके सामने है, टाइम नोट कीजिए कितनी देर में ये पककर रेडी हुए हैं। 15 मिनट में ये आपके सामने होंगे। एक पतीला लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अगर नॉन स्टिक है तो ये ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं, चिकन ने अपना पानी भी छोड़ना है, हमने दही भी ऐड किया है तो वो इन सब में ही कुक हो जाएगा। अब मैं बस यहाँ से ही आपको वीडियो दिखाऊंगी, बाकी आपने ख़ुद ही गैस करना है। इस तरह से हमने इसको कवर कर देना है और इसको 10 मिनट लग जाएंगे पकते हुए। 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा कवर करके और बिल्कुल आपने ड्राई कर देना है। इसमें जितना भी पानी है दही का या चिकन का अपना, वो सारा खुश कर देना है। चलें जी बाकी तैयारी करते हैं। आप खीरा ले लेंगे, उसके स्लाइस काट लेंगे और ये चीज़ स्लाइस है जिनको फ्रीज़र से मैंने बाहर रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। इस चिकन से आपके 10 सैंडविच आराम से बन जाएंगे और अभी मैं 6 सैंडविच बनाकर रेडी करने लगी हूँ। 2 अंडे ले लेंगे, अगर आप अंडा ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से इसको बढ़ा लें। मैंने पतली सी लेयर बस अंडे की लगाई है। इसमें पिंच सॉल्ट और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। इसको हमने फेंट लेना है और पतली सी लेयर इसकी कुक कर लेनी है। टिक्का बोटी हमारी रेडी है। अगर तो बोटी आपकी बड़ी बड़ी है तो इसको काट के छोटा छोटा कर लें। ये जी अंडा हमारा पककर तैयार है। अब हम ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और उनके हमने एजेस हटा लेने हैं, इनको वेस्ट नहीं करना क्योंकि बहुत जल्द आपके साथ ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर होने वाली हैं, इसलिए इनके ब्रेड क्रम्स बनाइए और फ्रीज़र में रखिए। स्लाइसेस तैयार करके इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इनकी मेकिंग देख लीजिए किस तरह से होनी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इंजॉय करेंगे। एक दफ़ा बना के देखिए। मायोनीज ऐड करेंगे, फिर हमने केचप ऐड कर देनी है, क्यूकम्बर स्लाइसेस ऐड कर देंगे, अंडे का स्लाइस बनाकर वो ऐड कर देंगे, चीज स्लाइस ऐड करेंगे और ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। दोबारा से इसके ऊपर मायो लगाएंगे, केचप लगाएंगे, अब इसके ऊपर चिकन टिक्का बोटी फुल भर भर के लगा दीजिए। ये इतना टेस्टी और यमी बनता है कि बाज़ार के आज के बाद आप भूल जाएंगे। और देखिए कितना ही टाइम इसको लगा है। और अपना स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, बंद करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। प्यारी सी टूथपिक ऐड करनी है तो ऐड कीजिए, जैसे मर्जी सर्व कीजिए, फ्राइज़ के साथ खाएँ, चाय के साथ खाएँ, इंजॉय करें। ये देखें जी कैसे यमी से रिच फ्लेवर के साथ हाजिर है, 15 मिनट में बनकर तैयार। यहाँ तक आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।